Good evening and welcome to Kapil Sharma Show. अरे आज के जो हमारे मेहमान हैं, दो ऐसे प्यारे कलाकार हैं, जिनको आप स्क्रीन पे देखते हो आपको प्यार हो जाता है उनसे. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड अर्जुन कपूर एंड ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर. रौन के महफिल. अबे खट. अरे मंत्री साहब को बोलने दीजिए. कपिल 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 सिद्धू बाजी सिद्धू बाजी सिद्धू बाजी सिद्धू बाजी सिद्धू बाजी. भाई मेरा नाम वही ठोक दिया बिल्कुल. नहीं मैं का फ्लो फ्लो में हो जाए अच्छी बात है. आ गई है रौनक महफिल और नजारा कमाल हो गया है. और अर्जुन को देख के लड़कियों का चेहरा लाल लाल हो गया. ऐसा दीवाना बनाया है श्रद्धा ने अपने रूप से. इस दिल के हार्डवेयर में उनके रूप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया. रूप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया. एक ही बार इलेक्शन लड़े दो दो बार मंत्री बन गए ये तो कमाल हो गया. सदा बधाई दी आपने. दो दो बार देनी पड़ेगी ना सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड देखा दो दो कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस. जोरदार तालियां सिद्धू साहब के लिए. थैंक यू. श्रद्धा अर्जुन आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों. थैंक यू अर्जुन. आपकी श्रद्धा के साथ पहली फिल्म बनाई. जी मजा आया फिल्म करके. हाँ बहुत मजा आया. आप तो पुराने जानते हैं बचपन से एक दूसरे को. हाँ जानते थे पर इतने करीबी दोस्त नहीं थे. वो जो सुनते आते ना बर्थडे पार्टी पे मिलना जुलना हाँ. वगैरह फैमिली फ्रेंड्स होना. जब बचपन में क्या होता है कि लड़कियों से बात करने से वैसे डर लगता है परहेज होती है. नहीं बाकी दोस्त चढ़ाएंगे ना अगर आप लड़कियों से बात करो वो भी ऐसी बला की खूबसूरत लड़की से. तो तभी जीरो हिम्मत थी. अब जाके हाफ हिम्मत जुटा पाया हूँ तो पिक्चर कर पाया हूँ हाफ गर्लफ्रेंड इनके साथ. अच्छा ये फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड पर या तो होती है या नहीं होती है. हाँ यार ये आधा काम मुझे समझ नहीं आया. मतलब देखिए हर इंसान यही सोचता है कि ये क्या होता है हाफ गर्लफ्रेंड क्या चीज होती है. या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है जी. या फिर कितनी बार हम सबकी जिंदगी में होता है कि कोई इंसान आता है जो हमें समझ पाता है. हम उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं. हम उनके साथ होना चाहते हैं पर समझिए कि कोई नौकरी मिल गई जहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा. तो आप जानते हो कि ये सफर अधूरा रह जाएगा हालातों की वजह से. तो इट इज अ वेरी जेन्युइन कनेक्ट बिटवीन टू पीपल. वंडरफुल. तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है. अच्छा अर्जुन जब एक बार टाइगर श्रॉफ यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा था कि मेरा बचपन से श्रद्धा पे क्रश था. बर्थडे पार्टी पे तो आप भी जाते थे बचपन से. आपने कभी कहा नहीं कि कपूर कपूर हम आपस में देख लेंगे तुम अपना श्रेय थोड़ा साइड पे रखो ऐसे बोला नहीं. नहीं क्या है जब मैं बहुत छोटा था मैं बहुत मोटा था और मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से. और मेरी हाफ और फुल गर्लफ्रेंड उस वक्त बूफे की प्लेट हुआ करती थी. ओके तो मैं थोड़ा ज्यादा बिजी था बूफे को चखने में. मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा था उस वक्त. जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने. मेहनत की है जी. वेरी नाइस. सिर्फ श्रद्धा कपूर के लिए. उनके काबिल बनने की. काबिल तो ऋतिक रोशन कर गए. I wanted to learn ABCD so I can do आशिकी whether or not be a villain. Wow, what a word play. अच्छा आशिकी 2 की बात हुई है. आशिकी 2 एक विलेन ABCD 2 ओके जानू. तकरीबन श्रद्धा की ये फिल्में देखे ना इनमें एक रेन डांस वाला गाना जरूर होता है. तो ऐसे जब आपको नरेशन सुनाते हैं तो ऐसे राइटर आते हैं कि ये रही मैडम फिल्म की स्क्रिप्ट और ये रही एक बाल्टी पानी आपके गाने. ऐसा होता है. ट्रेन डांस की एक्सपर्ट कोई है पूरे हिंदुस्तान में तो वो है श्रद्धा कपूर. शी कैन ओपन कोचिंग क्लासेस. ये सारा प्यार मिला है भीग भीग के तो. अच्छी बात है.
एक्चुअली शॉवर के नीचे आप नहाओ ना तो ऐसे आप देख नहीं सकते, सांस रुकती है, सांस रुकती है, लगता है मर जाएंगे तो आदमी मुंह कर लेता है। सेम चीज, सेम फीलिंग आती है बहुत ज्यादा। सेम सेम हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं बहुत ज्यादा। दोनों के शॉवर भी ऊपर से आते और दोनों बाथरूम में नहाते, बड़ी बात यह है। श्रद्धा आप नहाई हो कभी बारिश में बचपन में? हाँ बहुत। वो जहाज चलाए कभी पानी के बना के आपने? नहीं वो नहीं। आपको तो लेके बस खिलौने अच्छे अच्छे मिलते होंगे बचपन में है ना? मेरे पास बहुत बाबी डॉल्स थे। बाबी डॉल्स ना, ये होता है अमीरों के बच्चों के पास ही होते हैं। हमारे तो मम्मी है ना आटे की चिड़िया बना के देती है, ये लोग पिल्ला डाल के ना। घर में रखो तो चूहे खाएंगे, बाहर रखो तो कौवे खाएंगे। नहीं ऐसे होता था, मम्मी ने कुछ कहा ना खाने पीने के लिए कुछ, वो ऐसे आटे की चिड़िया बना के ना उसके में तिल्ला लगा के उसको गर्म करके ये लो खा लो। तो हम भी चिकन वाला फील लेते थे। अर्जुन रियल लाइफ में कभी कोई लड़की आपको ऐसे मिली है जिसने ऐसे आपको कहा हो कि मैं आपकी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं इतने साफ साफ तो नहीं कहा। अच्छा। इतने फ्रैंक होके नहीं कहा किसी ने कि इतना ही मिलेगा बॉस लाइफ में तुम्हें। पर क्या था कि हाँ एक सच वाला इंसिडेंट सुनाता हूँ, ये मैंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। 17 साल की उम्र थी, काम शुरू किया था, तो देयर वाज दिस गर्ल हु आई यूज्ड टू स्पीक टू वेरी ऑफन, फोन पे बातें होती थी, रोज मिलते थे, कॉमन फ्रेंड सर्कल था। अच्छा। वो पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी एक लड़की की तरफ, तो मैं चाहता था कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो। जी जी। तो मैंने 2-2.5 महीने बिताए और मैंने कहा चलो उनका जन्मदिन आ रहा है, ये एकदम सही दिन होगा, मैं जाके उनसे कहूँगा अपने दिल की बात। तो पूरा सज धज के तैयार होकर टिप टॉप फर्स्ट क्लास अपने बेस्ट कपड़े पहन के जो फिट आते थे उस टाइम पे। अच्छा। वो पहन के निकला और पहुंचा उनके पार्टी पे। पार्टी पे पहुंचा तो देखा कि लड़की चलते हुए आ रही है, साथ में एक लड़का आ रहा है। मैंने कहा चलो भाई को साथ लाइए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं गया उनके पास और वो मिली मुझे, मैंने हैप्पी बर्थडे कहा और उन्होंने कहा हैव यू मेट माय बॉयफ्रेंड। तो उस वक्त मुझे सच में एहसास हुआ कि जो हमारे हिंदी पिक्चरों के सैड सॉन्ग है वो कब काम आते हैं। आंसू बहाए, कुछ कुछ ऐसी चीजें की जो नहीं भी करनी चाहिए थी। मैं होता तो फोन के पैसे ले लेता उससे कि इतने फोन किए तुम्हें दिन रात। सर देखिए मैं बोनी कपूर का बेटा हूँ तो ओवर बजट आशिक हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं किसी के साथ ऐसा हुआ कभी, किसी ने हाफ गर्लफ्रेंड ने फुल बेवकूफ बनाया हो आपको या फुल बॉयफ्रेंड ने हाफ बेवकूफ? हाँ जी। अच्छा तुम्हारा तो बनता है बनना पहले। How are you, brother? Yeah, I'm fine. Yeah. How are you? I'm good, yeah. Where are you from? I'm from Nanded. Nanded? Yeah. Achha, wow, badi khubsurat jagah se. Let's talk in English. Sir, bhul jaunga phir English. Jisko nahi aati na, uske saath to main aisi English bolta. Main badi. To kal hi auto rickshaw mein aa raha tha. Main kaha, you don't know where is Andheri Yoshiwara? What kind of auto rickshaw you are? Shraddha ma'am aur Arjun sir se sawal hai mera. Haan ji. कॉलेज में था तब मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ देर बाद उसे आई लव यू कर दिया। कर दिया? मतलब शरेआम कर दिया? शरेआम नहीं, फोन पे कर दिया। तुम्हें पता नहीं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है? आई लव यू कर दिया सर फोन। यार एक बात बताओ, आई लव यू बोल दिया तो समझ में आता, कर दिया मतलब कैसे? फोन पे कर दिया आई लव यू। फोन पे कर दिया तुमने आई लव यू? फोन खराब नहीं हुआ? अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो फिर कुछ जान नहीं पहचान नहीं थी, फिर उसे बोल दिया सीधा जाके आई लव यू। फोन पे बोल दिया आई लव यू। तो जानते नहीं थे तो फोन का नंबर कैसे मिला तुम्हें बेटा? सर वो तो मिल जाता है कॉलेज में, इंजीनियरिंग में। हाँ, मिल जाता है। हाँ, तो वो थोड़ी वो कहीं ना वो लड़की डर गई होगी कि ऐसे अनजान व्यक्ति ने सडनली आई लव यू तक बात छेड़ दी। उस हद तक प्यार करते हो तो पहले जान पहचान बनानी चाहिए, फिर अपने दिल की बात रखनी चाहिए। बिजी था ना, इंजीनियरिंग भी करनी थी। तो आपने अच्छा इंजीनियर पुल बनाने में तो इतने टाइम ले लेते हैं, प्रपोज करने में नहीं, आपने 2 सेकंड नहीं लिए? सर मन में आ गया, बोल दिया सीधा। नहीं अच्छी बात है, मन में बहुत चीजें आती है, बोल देते हो। तो फिर क्या बोला आपने? फिर क्या हो, कुछ देर बाद वो मान गई। हालांकि मुझे मोबाइल भी नहीं हाथ लगाने देती है, फेसबुक भी यूज नहीं करने देती। किसका? अपना? आपका? नहीं मेरा तो मैं यूज करता हूँ, उसका भी। उसे शक होता है मतलब, तो मुझे मतलब वो बाहर भी नहीं आती। हाफ गर्लफ्रेंड है, ट्रिपल गर्लफ्रेंड है ये, तो कुछ भी नहीं करने दे रही। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हाय कपिल सर। हेलो। हाय सिद्धू जी। हाय। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, हाफ और फुल। हाय अर्जुन। हाय श्रद्धा। हेलो। आपका नाम क्या है? रिद्धि। हाय रिद्धि। हाय अर्जुन।
हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय मेरा भी करने का दिल कर रहा है आओ ताता दुन्ना अच्छा क्या हुआ आपके साथ मेरे साथ भी ऐसा हाफ और फुल वाला किस्सा हो चुका है मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी समझ नहीं आ रहा था कि रिलेशन फुल है कि हाफ है तो इसकी वजह से हम लोग का कुछ ज़्यादा तक जमा नहीं तो उसको बहुत कॉल्स आते थे एट अ टाइम उसको 10 मिस कॉल्स रहते थे तो मैं उसको पूछती थी कि किसके कॉल्स रहते थे तो कभी सच बताया नहीं कि किसके कॉल्स हैं तो ये तो फिर लड़का तो वन एंड हाफ हो गया डेढ़ चाना तो आपके सामने ही वो तो हाफ कहाँ रह गया फिर उसके लिए मैंने अपने हाथ में टैटू भी उसके नाम का करवाया था अभी उसके साथ हो कि नहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो उसको वही टैटू तो डिलीट करवा के दो इतनी टेंशन नहीं लेनी अभी जो निकल गया सो निकल गया हाँ लेकिन ये टैटू है ना उसके नाम का पता नहीं अभी मुझे और कोई मिलेगा या नहीं कोई बात नहीं उसने ऐसे फूल बना दो एक काम करना कभी ना किसी को पैसे देगा ना उसके सोते हुए बाजू पे टैटू बनवा दो उसके ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल द बेस्ट अर्जुन श्रद्धा फॉर योर मूवी थैंक यू रिद्धि थैंक यू श्रद्धा ना इस फिल्म में बास्केटबॉल खेल रही हैं और अर्जुन से भी खेलने को कहती हैं अर्जुन और श्रद्धा दोनों को 5-5 चांस देंगे जी सर अरे बाप जिसने ज्यादा बार डाल लिया चलिए सर लेके आओ फटाफट हमने सही कपड़े पहने ये गेम खेलने के लिए ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट रेप्यूटेशन का सवाल है कपड़े साथ नहीं दे रहे उधर ही चली जाओ ऊपर सीढ़ियां चढ़ के डाल दो बहुत करीब हो गई ना ये तो चीटिंग बगल में जाके भी नहीं हुआ सो एक पॉइंट से अर्जुन कपूर आगे चल रहे हैं गया श्रद्धा ने पूरी श्रद्धा से नहीं खेला है अब 1-1 से बराबर अर्जुन के 5 दोनों हाफ हाफ जीते हैं एक्चुअली कपिल सर मारिया ना अंदर गया गिरा टोकरी में ही है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी पॉपुलर प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन भगत बनाएंगे पर हमें अच्छी हाफ गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही थी हमने पूरा मुंबई छान मारा पूरा इंडिया छान मारा फिर फाइनली सबसे सुंदर हाफ गर्लफ्रेंड भाजी आपको पता है चेतन ने पढ़ाई जो है इंजीनियरिंग की है उसके बाद अपना इन्होंने राइटिंग में इतना अच्छा मुकाम बना लिया अच्छा मैं आपको ये बिजनेस सिखाया कि इसने पहले तो आप कोई नॉवल लिखते हैं पहले तो वो बेच के पैसे कमाते हैं उसके बाद प्रोड्यूसर को राइट बेचते हैं अभी आप खुद भी प्रोड्यूसर बन गए तो इंटरवल में जो खाने पीने का सामान बिकता है उसको चाय पॉपकॉर्न भी कल को मैं ये भी काम मेरे प्रोडक्शन के अंदर ही होना चाहिए अब आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं लेकिन हमारी थिएटर चेन से डील है इंटरवल में पॉपकॉर्न के साथ बुक्स भी मिलेंगी मेरी अच्छा ये भी होगा गर्लफ्रेंड हां मालिक एनीवे तो ये दोनों ने आई मस्ट से कि बहुत अच्छा काम किया है मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमारी फिल्म है मतलब क्योंकि इतने ये बुक जो है करोड़ों लोगों ने पढ़ ली थी और अब उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप एक किताब पढ़ लेते हो कि यार अब ये कैसे करेंगे जी बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मतलब मैंने जब फिल्म देखी तो मैं हैरान हो गया कि इन दोनों ने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया तो आपको क्या लगता था कि अच्छा काम नहीं करते बिल्कुल नहीं अच्छा तो करते प्रोड्यूसर हो तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना जाता है जितनी भी फिल्में बनी है मेरी बुक्स पे अच्छी बनी है और बहुत ध्यान से हम बनाते हैं मोहित ने भी 3 साल लगा के फिल्म बनाई है नॉर्मली वो साल में एक पिक्चर बना देते हैं जी वो सिर्फ इसीलिए कि उनको ये ध्यान रखना है कि जो रीडर्स हैं बुक के उनको भी अच्छा लगे
और अब मैंने क्योंकि फिल्म देख ली है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई टेंशन नहीं होगी, आप आराम से जाइए पिक्चर देखिए, मस्त आएगा। अच्छी बात है भाई। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 13 मिनट और 10 गाने? नहीं नहीं, 10 गाने नहीं है। किसने बोला हमें 10 गाने एल्बम में? 10 गाने वही को एक गाने का अदर वर्जन, एक गाना श्रद्धा जी गा रही है। श्रद्धा जी इतनी रिस्पेक्ट पूरी पिक्चर में नहीं दी। फैसल बच्चा मन का सच्चा सर, हाउ आर यू? नमस्ते 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 सिद्धु जी। ये लीजिए, आज मानना पड़ेगा सर। क्या? सब 2 नंबरी लोग एक साथ आ गए। नहीं नहीं, आप सोच रहे होंगे 2 नंबरी को, आई टेल यू। ये देखिए, इनके पास आस्की 2 है, इन दोनों के पास 2 स्टेट्स है, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है। हम तो पहले से 2 के बराबर है और ये आदमी 2 मच है। लीजिए। वैसे चेतन सर, बड़ा मजा आता है सर, आपका वो किताब हम पढ़े, मानना पड़ेगा सर, आपका हैंडराइटिंग इतना कमाल का है ना। दूसरी किताब पढ़े? नहीं, बहुत कमाल का राइटिंग, ऐसा लगता है जैसे एकदम प्रिंट हुआ है जैसे। अरे प्रिंट होके आती है तो वही बात बोले ना हम। ऐसा लगता है कि प्रिंट हुआ है क्योंकि प्रिंट होके आया है। हम क्या फालतू बात कर रहे हैं यार, सेम बात बोले हम। लेकिन सर, आपका वो पुस्तक बहुत अच्छा था, वो अपना वो ये वाला जो था अपना एक रात बातचीत के केंद्र में, ओहो मजा आ गया। ये कौन सी पुस्तक है? अरे वन नाइट एट कॉल सेंटर यार। सर ये देखिए, ये आदमी अंग्रेजी प्रॉब्लम, हिंदी प्रॉब्लम, उद्रू प्रॉब्लम है, फुल प्रॉब्लम देश में। उद्रू उद्रू वही भाषा। लेकिन सर, हम चाहते हैं ना कि आप ना हमारे लिए हमारी भी एक बायोग्राफी लिख दीजिए। प्यार हुआ है आपको? 4 या 5 पकड़ लीजिए, हुआ तो है। और एक बार तो अपना हमारी भैंसिया ही है, वेरी स्वीट शी इज। भैंस से प्यार हो गया? नहीं नहीं, मतलब इट्स ए रिलेशन, ये सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये वाले रिलेशनशिप को। पर जो तुम करोगे ना, हाँ वही तो तुम्हारी बायोग्राफी में लिखेंगे ना। अरे तो सर आप एक काम कीजिए ना, आप इतने कमाल के राइटर हैं, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, वो सेम सेम चीज हम कर देंगे, करते बाद में है, पहले लिख दीजिए ना। व्हाट गोज, कहानी में कुछ होना चाहिए, आपका प्यार हो, कोई लड़की आपसे प्यार करती हो, आप उसके माँ बाप से जाके लड़ो, मारपीट हो, कुछ तो हो। सर सेम चीज लिख दीजिए, उसके बाद हम कर देंगे, वॉट एवर यू राइट सर। अच्छा है कि आप लोग क्या पहले लिखते हैं फिर फिल्म बनाते हैं, वेरी गुड। नहीं कुछ लोग हैं जो ऐसा पहला फिल्म बना देते फिर लिखते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, पहले सब लिखते हैं फिर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। क्यों? अरे आप बाहुबली को ले लीजिए, अगर पहले लिखा होता तो लोग पढ़ नहीं लेते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो पहले बना दिया, उसके बाद फेसबुक ट्विटर पे चल रहा है, लिख रहे हैं लोग, अब लिख रहे हैं। इट इज ऑल वर्किंग उल्टा, अपसाइड डाउन चल रहा है पूरा। अर्जुन जी, जी वैसे आज हमको ऐसा मौका मिला है आपसे साक्षात मिलने का, तो हम काफी प्रिपरेशन करके आए, हम बोले कि सब पिक्चर देख के आएंगे आपका, तो हमने सबसे पहले शुरू किया अर्जुन से, बट यार आई डिडंट सी यू, दिखाई नहीं दिए। फिर हमने करण अर्जुन देखा, लीजिए उसके अंदर भी आप एब्सेंट निकले। फिर हमें लगा कि हम जरा पुरानी पिक्चरें देख रहे हैं, नया लेटेस्ट देखते हैं, तो हमने देखा आज का अर्जुन। वेयर हैव यू बीन? अच्छा ऐसे थोड़ी ना कि हर अर्जुन नाम की फिल्म में अर्जुन होंगे, ऐसे तो ए वेडनेसडे में तो बुधवार हीरो होगा फिर। अरे हाँ यार, सो ये बात तो आपने सही बता दिया, माय मिस्टेक। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। नहीं नहीं, मिस्टेक में क्या केक आ जाता है ना, तो एक स्वाद आता है बात में, इसके लिए बस ऐसे ही। वैसे अर्जुन जी अपने काम कीजिए ना सर, आप दरअसल ऐसा तिगड़म बैठा के हमारे जीजा के ऊपर फिल्म बनाइए ना। आपके जीजा कौन है? नहीं नहीं बनाई, अरे देखिए आपने की एंड का पे बनाया, एक जी एंड जा पे बना देंगे, क्या जाएगा यार। श्रद्धा जी लेकिन हाँ, आपका वो फिल्म में एक विलन में वो गालियों वाला गाना था ना, वो बड़ा मजा आया। गालियों? गालियों गलिया गलिया। अच्छा, ओह माय, हेलो पहुंची अगेन। अरे हो सकता है कि नहीं नहीं, हो सकता है कि जब हम सुन रहे थे तो लोग हमको कुछ गालियां दे रहे होंगे, तो हमने मिक्स कर दिया वो पूरा का पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ इस बात पे ये हंसी ना,
हाँ। यानी जी आपके आने वाला फिल्म प्रमोट कर दिया हमने तो। ये हसीना हुआ कि नहीं आने वाला है इनका फिल्म, वो तो गलती से प्रमोशन हो गया हमसे। वह मुबारक लीजिए, ये बात में मुबारक बोल के हमने आपका भी अगला फिल्म प्रमोट कर दिया। ये लीजिए, ये आज हमसे क्या हुए जा रहा है। कपूर शर्मा एक काम कीजिए, आप जरा विदेश में जाके ना शादी कर दीजिए किसी लड़की से। क्यों? जब वो आएगी तो वो फिरंगी आएगी ना। ए लीजिए। हाथों हाथ एक और प्रमोशन। एनीबडी एल्स? आई एम इन फुल फ्लो टुडे। कर लेंगे प्रमोशन। लेकिन श्रद्धा जी, हाँ जी, ट्रूली वन हार्ट टू हार्ट एक बात बताएं आपको जी। हमारा आपका एक कमाल का कनेक्शन है। क्या? नहीं है, है। देखिए आपकी जो भी फिल्म आती है ना वो हम देखने जाते हैं। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि आपकी फिल्म नहीं आई है और हम देखने चले गए। ये क्या कनेक्शन हुआ? तो आप कनेक्शन ढूंढ क्यों रहे हैं यार? वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। एक सुंदर लड़की और एक मोटा लड़का क्या कभी दोस्त हो सकते? काश ये डायलॉग मुझे बचपन में पता होता। वैसे चेतन जी आप ना, आई रिस्पेक्ट, मतलब कमाल के राइटर हैं आप। लेकिन हमारे मोहल्ले में अपना एक यादव है फ्रेंड, बड़ा अच्छा लिखता है। उसने कल हमको ये लिख के भी दिया, देखिए वेरी क्लियरली साफ साफ शब्दों में उसने लिखा कि ए बच्चा, अगली बार मेरी बीबी को गंदी नजर से देखा तो तुझे फोड़ दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं, आजकल हम भी इन्फ्लुएंस हो गए सर, हम भी अब थोड़ा लिखना शुरू किए। परसों हमने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा, वो भी खून से, और गर्लफ्रेंड बेहोश। इतना अच्छा लिख दिया? नहीं नहीं, उसके खून से लिखा ना। हम इतना इन्फ्लुएंस हुए ना आपसे सर कि हमने भी एक ऐसा बायोग्राफी लिखा है। जी हाँ जी हाँ, हमारी भैंसिया के ऊपर। इट इज कॉल्ड भैंसियोग्राफी बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट। ये देखिए, सच में लिख के लाए हो? हम लिख के लाए सर, ऐसा बात नहीं है। भैंसियोग्राफी बाय बच्चा यादव। थोड़ा सा इसका हम आपको सुना सकते हैं पढ़ के? हाँ। तो कहती है अभी ये क्या बोल रहा है? उसके लाइफ में यही चल रहा है यार, जो चल रहा है वही बताएंगे ना। उसने जैसे जैसे बताया, लेकिन ये छोड़िए, क्लाइमैक्स सुनेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स सुनाते हैं आपको। लास्ट पेज पे, एकदम लास्ट पैराग्राफ, कहती है और बाकी देखिए आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग प्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे। इतना टचिंग शुरू में ओ, एंड में ओ, तो बीच में क्या कहती है सर? ओ, दैट इज हर लाइफ सर। दैट इज हर लाइफ। बहुत फील है आपकी स्टोरी में, बहुत फील है, तो आंसू आ गए मेरे पास। ये तो कुछ भी नहीं है सर, हम तो एक्चुअली एक बायोग्राफी उसका भी लिखने वाले थे, बकरी का। लेकिन क्या है कि बकरी में मैं बहुत है। हमने जाके जितना उससे बात किया, बार बार करिए मैं। हमने कहा देखिए आपके ऊपर हमको बायोग्राफी लिखना है, फाइनल डिसाइड कर लीजिए, हम लिखेंगे कि आप। तो कहती है मैं। हमने कहा जाओ यार, जितना एटीट्यूड आप में है ना, आप फिल्म में नहीं प्लेट में आएंगी। बच्चा जोक तो सुना आज फिर कोई जोक। जोक जोक? हाँ जी जोक। जोक सर, अभी हम आपको बताते नहीं, एक हम जॉक्स का एक पिटारा है हमारे पास, हम कमाल के जॉक्स सुना जाते हैं, लेकिन क्या है कि उससे माहौल बहुत बन जाता है, बहुत कॉमेडी फैल जाता है। आप अगर कहेंगे प्लीज प्लीज। हाउ स्वीट, अब हम सुनाना ही पड़ेगा। लीजिए तो जॉक्स पेस है आप लोगों के लिए, जॉक्स का बोनी करते हैं। लीजिए आप बोनी जी का भी ऐसा आ गया, ऐसा बन गया है। तो आपको इससे शक्ति मिलेगी। अरे लीजिए, वर्ड पे वर्ड, वर्ड पे वर्ड जा रहा है। तो लीजिए पेस करते हैं बोसी बोनी जो। थोड़ा सा कॉमेडी वाला है। अच्छा, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेट में दर्द करेगा तो होता है। आईपीएल का टाइम चालू है ना, तो क्रिकेट के ऊपर एक थोड़ा सा पेश कर देते। बिल्कुल सीजनल, सीजनल जोक लाइक सीताफल। लीजिए
तो एक ये अपने धोनी है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वो अश्विन से कहते हैं कि यार जरा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। तो अश्विन जो है कोल्ड ड्रिंक लेके आए, लेकिन सीधा रोहित शर्मा के पास लेके चले गए। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज रोहित शर्मा इज ओपनर। ओह गॉड। लीजिए, मजा आ गया, माहौल हमने बना दिया है, आ गए, यू टेक इट ओवर यार। चलिए चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय। अरे जयदेव जी, आपको मैं आपकी फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए एक और अच्छा करेक्टर है हमारे पास। कौन? सरला। हाय अर्जुन, हाय श्रद्धा, हाय चेतन। हाय। ऊपर से ही हाय वाले कर रही, नीचे नहीं आना आज। अर्जुन एक्चुअली मैं ना नीचे आ जाती, लेकिन क्या ना वो सीढ़ियां बहुत गंदी है आज, तो मैं आके साफ कर दूं। ए हाय, हाउ स्वीट। अरे छलांग मारना वैसे, जैसे जब पत्ते खेलती पुलिस आ जाती तो निकलती है। के सीढ़ियां गंदी हैं, जैसे रोज बड़ा रेड कार्पेट पे चलती है। अच्छा ऐसे नहीं आएगी, इसको खाने वाली चीज दिखाओ। देख सरला। कपू, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको। देखा, मैंने कहा ना खाने वाली चीज दिखाओ। आपको पता है चेतन अभी आएगी, जो लाइन आप लिख के डिलीट कर देते ना, वैसी टाइप कुछ याद करके आएगी, इधर बोलेगी। How are you? Hi, Shraddha. Hello. How are you? Good. How are you? Hello. अच्छा सबसे आके मिलती ऐसे जैसे मामी चाची के लड़के सारे। How are you? यहाँ पे आके एक्सेंट चेंज होता है इसका। बाहर कभी देखना आप कैसे बातें करती है। ए कुप्ता क्या कर रहे थे, ऐसे रहता बिलाते के। इधर आके बोलती है हेलो। मुझे पता है इनकी फिल्म आ रही है। इनकी फिल्म जो है गर्लफ्रेंड के नाम से, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इट्स ब्यूटीफुल। फिल्म का पूरा नाम बताओ ना। हाँ वो सबको पता है। खैर अर्जुन। क्या अर्जुन, पहले फिल्म का पूरा नाम बताओ। हिंट दूं मैं? हिंट हिंट दे। ये कैसा हिंट हुआ? ये हाफ, ये गर्लफ्रेंड ऐसे। मैं इसीलिए नीचे नहीं आ रही थी क्योंकि ये हाफ हाफ लेके शुरू हो जाएगा। से कपू एक बात याद रखना, क्या? बॉटल फुल हो या हाफ, नशा उतना ही होता है। मैंने इसलिए बुलाया, चेतन अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं, मैं कहा शायद तुझे ले ही लें, हाफ माइंड जो आप बना रहे हो। पाजी समझाओ इसको, मतलब कॉमेडी के चक्कर में ना इसके हाथ से एक अच्छी लड़की निकल जाएगी। सही बात, समझा दो। सही बात है, मतलब इसको बताइए, पार्टी से जाने वाले फिर दो दो पोस्ट के मंत्री बन जाते हैं। क्यों पाजी? हाय सिद्धू जी, बड़ी नजरें तेरी आजकल। अरे नजरें हैं तो मंजिल तो दिखी जाएगी ना। अब कुछ लोग हैं जो मील के पत्थर बने हुए हैं। ये मिड डे मील की बात कर रही है। आपको पता है रिबन लगा के ना तीन चोटियां करके स्कूल में जाके बच्चों के बीच बैठ जाती है। पता तो चलता नहीं, छोटी सी तो है। अंकल मुझे भी खाना नहीं है। ऐसे खा के आती है खाना सरकारी स्कूल। और तुम फिर शुरू हो गए? हम तो 9 बजे शुरू हो जाते, तू लेट आइए। तुम ना जलते हो मुझसे, मान लो ये बात, तुम जलते हो मुझसे। और बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हर संडे को मॉल जाती हूँ शॉपिंग करने। मुझे पता है, ये चेंजिंग रूम में जाती है, ड्रेस पहन के ना ऐसे फोटो खींचती है, तो उसी समय अपलोड करती है, गाइस आई यू लाइक माय ड्रेस, गाइस हाउ इज माय न्यू ड्रेस। अरे सबसे पहला कमेंट भी सेल्समैन का आता है, कहता है मैडम कभी खरीद भी लिया करो। क्या हुआ, पैसे चिपके होठ चिपके? आई थिंक अंदर से ही आपसे प्यार करता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, कोई भी लड़का इतना भाव किसी लड़की को देता नहीं, अनलेस इंटरेस्ट हो, है ना? सरला इनकी बातों में ना आना तो कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। नहीं वैसे चेतन, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय, क्योंकि आप जैसे बुक्स लिखते हैं, मैं सोचूं मैं भी कुछ इस फील्ड में कुछ कर लूं। चेतन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप इसका मुंह रेंट पे ले लो, ये वो कर दिया करेगी आपका, ये ऐसे। कैसे बोल रहे यार, तो काम इसी फील्ड में जा रहा है ना। श्रद्धा अर्जुन, आप लोग इतनी फिल्में करते हो, मुझे किसी अच्छी से लड़की से मिलवा दो ना। ये तो इसे कटप्पा से मिलवाओ। जो बाहुबली का
ठिकाने लगा सकता ना, ये उसी से सुधरेगी। तुम सोने के लिए इतना कुछ करते हो, कभी सोने के लिए भी कुछ कर लिया करो। ओहो। देखो कप्पू, सबको दिखता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्ही को नहीं। पर एक्चुअली आप दोनों का रिश्ता ये हाफ गर्लफ्रेंड वाला है, दोस्त से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स कम। ये जो रिश्ता है, लोग पूछ रहे थे आज हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है, ये होता है। पब्लिसिटी का मौका नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं छोड़ेंगे। सोच लो कप्पू, आज मैखाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कल को घूट घूट को तरसोगे। तो सोच लो, कहीं यही कहीं दो घूट जिंदगी के टाइम पे पी होती ना तुमने, तो ये सब नहीं होता। मैं क्या करूं इस आदमी का पार्टी? कुछ नहीं करना है। वो देख, ये हमारे मेहमान क्या सोचेंगे, क्या बातें कर रही है। आ जाओ भाई, इसका इसका कुछ नहीं है, ऐसे बोलती रहती है। अरे भाई बैठिए आप, इसका तो ऐसे ही है। थोड़ा सा रोमांस कोशिश करती हूँ, उसमें भी इसको प्रॉब्लम है, खुद कुछ नहीं करता। श्रद्धा से कुछ सीखो तुम। तुम सीखो ना शक्ति कपूर जी से कुछ। क्या? नहीं मतलब मेरा मतलब तुम राज प्रोडक्शन के हीरो बनते रहोगे, अर्जुन से कुछ सीखो, मैचो मैन बनता है, रोमांस भी करता है, सब करता है। अर्जुन आई थिंक आपको ना कपिल को सिखाना चाहिए कि लड़की को कैसे डेट करते हैं। आई थिंक यू शुड टीच हिम। नेकी और पूछ पूछ। वो टेबल पे दो कुर्सी और एक टेबल, एक खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़का। सल्ला फटाफट जाकर टेबल पे कपड़ा मारो। तुमको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हैं? ओके, मैं अर्जुन के कहने पे जा रहा हूँ। कोशिश तो करो। कोशिश करता हूँ मैं। हाँ। आओ फिर, लाइटिंग पूरी फुल रोमांटिक चाहिए? जरूर, अगर हो जाए तो क्या बात है। वाह, बैठिए। ओके, हम आ गए हैं, डेट स्टार्ट होने जा रही है। मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ उसके साथ। ये क्या म्यूजिक दे दिया? ये कौन सा म्यूजिकल डेट है यार? कुछ और, कुछ अच्छा सा म्यूजिक दो, मेरे को पहले नहीं फीलिंग आ रही है। मैं शकीरा के साथ नहीं बैठा हुआ। थोड़ा कुछ और। So nice is jazz. Nice नहीं ना? बहना की डोली नहीं जा रही है, तुम रहने दो, ठीक है? मैं अपने आप देख लेता, तुम म्यूजिक नहीं देना। सरला। यस कप्पू। सरला, तुम्हारी आंख में इधर कुछ है। अच्छा, लिसन सरला। हाँ कप्पू। मैं तुमसे एक बात कहनी चाहता हूँ जो मैं तुमसे आज तक नहीं कह पाया। दो करो। कह दो। जैसे नाक वगैरह बहती तो क्या करती हो? अच्छा ओके, मैं डेट पे, सॉरी। सरला, मैं तुमसे एक बात कहनी चाहता हूँ जो मैं तुमसे आज तक नहीं कह पाया। कहो कपू। तुम अपना मुंह डिलीट क्यों नहीं करवा रही? तुमने क्या कहा क्या? क्या बकवास है? मुझे रिस्पॉन्स ही बड़ा संभाल देती है। अर्जुन आप ही करके ही दिखा दो। ठीक है चलो, मैं अर्जुन से सीख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, अगली बार कर दूंगा। चलिए, मैं वेटर बन गया हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया आता है। आओ। How sweet, thank you. अच्छा ऐसे करना होता है? हाँ। Are you comfortable? Yes, very. Oh, waiter. अरे साहब, हाँ, ये क्या ले आए? ये 5-star होटल है। सुनो बेटा। क्या है? मेरी बात सुनो, ऑर्डर लो तुम चुपचाप। जी। छोले भटूरे, लस्सी, मैंगो आइसक्रीम, खीर सब ले जाओ। डेट पे आएंगे? परदादा के श्राद्ध पे आई आप, इतना सामान कौन खाता है? अरे ना मेरे से रोमांस होता है ना मैं वेटर बना। अर्जुन से करो रोमांस, अर्जुन से रोमांस करेंगे तुम्हारे साथ। यस इज नहीं, रोमांस रोमांस बहुत जरूरी है लाइफ में, रोमांस सास के बाद रोमांस। कोई
आप मे भी गाना गा दो मेरे लिए. क्योंकि तुम ही हो. एक सेकंड मैं ही नेशी हूँ. अरे बस कर यार तुझे. उसको हजम नहीं होता बोला था ना. एक तो पूरे रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करती, ऊपर से गाने गाने की कोशिश कर रहा, फिर भी तो ना बोल रही है. तेरे को यही चले, तू अकेले रह यार, छोड़ यार. देखा तुम्हें, तुमको हजम नहीं होता है. तीन गाने के बाद तो तीन खाना होता है, गाना होता है, फिर डांस भी तो होता है पाजी. दैट्स अ फुल डेट. अरे कोई डांस वांस नहीं, डांस के बाद बोलेगी थोड़े पैसे मिलेंगे. ऐसे करती है. चलो कम से कम तुम्हें हाफ डेट और हाफ डेट मिला के फुल डेट तो मिली क्या तुमको. लेकिन फुल डेट एक्चुअली कम्प्लीट हो जाएगा अगर आप डांस भी कर ले तो. अच्छा? तो फुल हो जाएगा एक्चुअली. एक्चुअली असल में अब मिली आपको. तो होता है नहीं कुछ. एक बार अपने पैसे चेक कर लो भाई. यहाँ पे आपके फैंस हैं जी, जो हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर काफी उत्साहित हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं जी. एक एक करके आप चेतन से, अर्जुन से, श्रद्धा से जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं जी. सबसे पहले कौन आ रहे हैं जी? भाई साहब. सर आपने बहुत अच्छा किया सर, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, अगर डांस हमको बिहार सॉन्ग पे हमसे अच्छा करके बताओ तो हम माने. आपका नाम क्या है? आदिल सर. आदिल. आइए आदिल, आपके साथ डांस करते हैं. ये क्या, हमारे गेस्ट को भी पागल वाला डांस करा दिया. नहीं 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 यार अर्जुन, दे बिंदास डांस है यार, कमाल का डांस है, रियली टू गुड. सर कहा है ना बिहार का नाम रोशन करना है ना. टू गुड, टू गुड. खुश एकदम. आ खुश 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 खुश. चल भक्त. थैंक यू ब्रदर. क्या करते हो आप, डांस 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 करते हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लेते हैं. थोड़ा कभी कभी थोड़ा थोड़ा. आज तो पूरा ही कर लिया तुमने. वैसे क्या करते हो आप? वैसे पढ़ाई करता हूँ मैं. अच्छा, वही किया करो. थैंक यू तुम्हें आने के लिए, धन्यवाद जी. और कोई हमारे दोस्त? यस. सत श्री अकाल सिद्धू पाजी. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल कपिल. सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? वैसे आप हमेशा अच्छे ही रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं. यही करना चाहिए और क्या. बिल्कुल. हाय श्रद्धा. हाय अर्जुन. हेलो चेतन सर. काम के बंदे ने मुझे बोल दिया ना. अब लगता है चेतन सर नाचेंगे. नहीं नहीं. I would love to do that. He's my hot favorite writer. लिख देंगे आपके लिए, नचवाओ मत. ठीक है. सर आपसे इंस्पायर होके जैसे आप लिखते हैं तो आपकी नॉवेल्स 200 पेजेस 300 पेजेस तक जाती है. आपसे इंस्पायर होके मैंने भी लिखना शुरू किया था, लेकिन वो 5 से 7 पेजेस से आगे बढ़ती नहीं है. सो आई वुड लाइक कि आप मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दें कि आप इतनी अच्छे से और इतना फ्लो में कैसे बुक्स लिख सकते हैं ताकि मैं भी अपनी स्टोरी लिख सकूँ. आई थिंक आप शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करो. यू नो केटरिंग बिजनेस खोलने से पहले एक घर पे खाना बना के हस्बैंड को खिला दो कि भाई अच्छा बनाती भी होगी नहीं. पूरी बुक शुरू करने से पहले आप एक थोड़ा घर पे बनाओ, छोटी वाली कहानी. थैंक यू सो मच सर. जैसे डॉक्टर बनना हो तो पहले घर पे किसी का ऑपरेशन करना पड़ेगा. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया शो में आने के लिए. सर हम सिटी केबल के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं. हाँ. के भाई करोड़पति, इसमें खेलते हैं. पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, ऐसे आशीर्वाद ही है. फटाफट लेके आइए. कहाँ खेलना है? इधर ही खेलेंगे. चलिए. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. हम हैं संतोष, एज 25 साल, कद 5'0", रंग गोरा. घर के सारे कार्य हम बड़ी कुशलता से कर लेते हैं.
ये क्या है, सारा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, क्योंकि हो सकता है कि खेला खेलते खेलते हमारा ब्याह भी हो जाए। नहीं, लेकिन अर्जुन जी सच में बता रहे हैं, हम ऐसे बैचलर हैं ना, हम कभी कस्टमर केयर में भी फोन करते हैं ना, तो कभी लड़का फोन नहीं उठाता, लड़की फोन उठाती है। खैर, हमारे खेला में आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर, और एक्सपर्ट्स में हैं चेतन भगत। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं आ गया, बस आ गया मैं। व्हाट्सएप। अच्छा, पूरी दुनिया बाहुबली 2 देख रही है, आप बाजू वाली को देख रहे हो। साहब, अच्छा ध्यान से, अगर बाजू वाली का पति कटप्पा निकला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। साहब, मैं स्टेशन पे गया था, वहां पे मुझे एक किताब मिली। क्या किताब का टाइटल था? 30 दिनों में सिद्धू कैसे बने। मैंने किताब पढ़ी, अंदर सारे शेर शेर, मैं समझ गया नकली, क्योंकि ठोको दाली कहीं पे भी लिखा था। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो टू इन वन। चलो खेल शुरू करो भाई। हाँ शुरू करते हैं। ए हड़प्पा की कटप्पा, मेरी बात सुन। श्रद्धा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये सीक्रेट है, इस औरत की नाभि नहीं है, इसने खुजा खुजा के इधर गड्ढा कर दिया है। चलिए खेला कर। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू जी। आप बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, आप लैपटॉप क्यों नहीं ले लेते? इतने पेज खराब करते हैं, लैपटॉप ले ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए इस आदमी को क्या बोले, हमको तो सूझ ही नहीं रहा। आप पहले तू सूझना बंद कर, तभी तुझे कुछ सूझेगा। अच्छा, वो कहावत आती है ना वो, कि बूझो तो जाने, इसने गलती से पढ़ लिया, सूझो तो जाने। तो चलिए बेकार का बात में नहीं पढ़ते हैं, पहला सवाल पूछते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। तो सवाल अर्ज है, फिल्म में श्रद्धा कपूर हीरोइन है जो हाफ गर्लफ्रेंड है, तो बाकी की हाफ वो क्या है? आपके ऑप्शन है ए, बाकी बॉयफ्रेंड है। ऑप्शन बी, बाकी दूसरी की भी गर्लफ्रेंड है, ना हो सकता है ऑप्शन में है। ऑप्शन सी, बाकी मौसी की बुआ की बेटी है। या ऑप्शन डी, बाकी सब बढ़िया है, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है जो चौथा वाला आपने कहा वो काफी अच्छा है ना, बाकी सब बढ़िया है, आप बताइए। आप बताइए लीजिए। ये दिया है जवाब। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया। आप पूछिए। चेतन भगत साहब, आपने फिल्म लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड, तो ये मतलब इंटरवल तक आएगी, ये पूरी आएगी? अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, टिकट भी पूरी लेनी पड़ेगी? ये पूरी लेनी पड़ेगी। तो फिर गर्लफ्रेंड आप क्यों? आपसे अब कुछ शायद पार्ट 2 भी बना ले बाद में, फिर दूसरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा आपको। ओके, तो फिर आप एक ही टिकट पे अगला हिस्सा भी देख सकते हैं। चलिए बढ़िया। तो लीजिए श्रद्धा कपूर से अब अगला सवाल, आपके लिए सवाल है, ये शक्ति कपूर जी से रिलेटेड है। सवाल है कि श्रद्धा में कितनी शक्ति है? आपके ऑप्शंस हैं ए, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी ही शक्ति है। ऑप्शन बी, अर्जुन कपूर से ज्यादा, शक्ति कपूर से कम। ऑप्शन सी, इतनी शक्ति है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता के मन का विश्वास कमजोर होना। या फिर ऑप्शन डी, इतनी शक्ति है कि किसी को थाने से छुड़वा सकती है। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला वाला क्या था? पहला वाला है, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी ही आपकी शक्ति है। आपके फेसबुक पे कोई फ्रेंड नहीं है, आपके कौन से फ्रेंड हैं जिनको फ्रेंड करेंगे आप? देखो, मेरा और श्रद्धा का खून का रिश्ता है। अच्छा, ये लीजिए, कौन सा रिश्ता है ये? देखो, उनकी रगों में भी खून दौड़ रहा है, मेरे में भी। उनका फर्स्ट है, मेरा रनर अप। शक्ति कपूर जी को मोहन लगाओ, शक्ति कपूर। हेलो आदि शक्ति साहब, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने जाता हूँ। मुझे पता आप कुछ नहीं कहेंगे, जब तक आप फोन नहीं उठा लेते आप कुछ नहीं कहेंगे। उठा लिया। हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके साथ सेल्फी लेनी एक, आपकी आवाज के साथ। हेलो बोलो। शक्ति कपूर, थैंक यू। हाँ ठीक है, हाँ जी, नहीं गाली वगैरह किस लिए देनी है आपने, कोई नहीं। तो मतलब सवाल पूछो। अच्छा एक सवाल मेरा और,
जिस कुर्सी पे ये बैठी है वो अभी तक जिंदा है कि मर चुकी, बताओ। भगवान इनकी गलतियों को माफ कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है ये क्या कह रहे हैं। और हमारी ये प्रार्थना को ज्यादा सीरियसली मत लेना। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, खेला आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा जी, सवाल का जवाब आपने हमें दे दिया है, तो ये जवाब आपका सही है कि नहीं जानने के लिए हमें आपकी शक्ति को टेस्ट करना होगा, आपको हमें उठाना होगा। नहीं, अगर उठाऊंगा तो क्या मिलेगा? आपको कमर दर्द मिलेगा। लेकिन मैं इस औरत को उठा सकता हूँ, वो भी यहाँ से नहीं, जमीन से। कैसे? वो भी एक हाथ से। इधर आओ, इधर लेटो। ये मेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। क्या करें? लेट जाओ इधर। लेट जाएं? हाँ लेट जाओ। ऐसा कौन सा तुम्हें लेट गए उठा नहीं सकते। हाँ देखो अभी, चलो भी उठो, उपले खाने का टाइम हो गया। एक सेकंड में उठा दिया। तरीका हुआ। मानते हैं इंसान जो चाहे कर सकता है, लेकिन ये नहीं हुआ बात को। एक चीज है जो इंसान नहीं कर सकता, वो क्या है? बड़े भाई से कभी बड़े नहीं हो सकते आप। मेरा बड़ा भाई मेरे से 5 साल बड़ा, मैंने उसको कहा 5 साल रुक, मैं तेरे से बड़ा हो जाऊंगा। मैं 5 साल बाद गया, वो 5 साल और बड़ा हो गया था। दिस इज अ स्कैम। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बड़ा इजी सवाल है। आप पूछो। खड़ा मसाला जो होता है वो खड़ा क्यों होता है? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए उसे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई, ऑप्शन बी उसके घुटने में तकलीफ है, ऑप्शन सी वो इलेक्शन में खड़ा था, ऑप्शन डी या उसको ऊपर वाले ने तशरीफ नहीं दी। हम बताएं खड़ा मसाला इसलिए खड़ा है क्योंकि उसने डायलॉग सुना है कि जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए तमीज से खड़े रहो, इसलिए खड़ा है तमीज से। अच्छा आप लोग इनकी बातों का जवाब देने के बजाय लाठी चार्ज भी कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है तेरी माँ जैसा। ऑप्शन बी तेरे बाप जैसा। ऑप्शन सी ब्लू है पानी पानी। ऑप्शन डी रंग दे तुम्हें गेरुआ। देखो शक्ति साहब की बेटी आई है, मेरी फैमिली फ्रेंड है। श्रद्धा की फिल्म का एक गाना था, रो रही हूँ मैं सुन रहा है तू, और लड़का क्यों नहीं सुन रहा था? आपकी ऑप्शन है लड़का घमंडी था, ऑप्शन बी उसको कान पे थप्पड़ पड़ा उसका कान सुन हो गया था, ऑप्शन सी जग सुना सुना इसलिए उसका ध्यान नहीं जा रहा था, ऑप्शन डी उसके कान पे हेडफोन लगा हुआ था, ऑप्शन ई जो श्रद्धा कहे हम मान लेंगे। वो जो कहेंगे क्यों मान लेंगे, हम कहते हैं क्यों नहीं मानते आप। हम में क्या कमी है? तुम श्रद्धा जैसा डांस नहीं कर सकती। ऐसा किसने कह दिया आपसे? मैंने अपने आप से कहा। तो क्यों कह रहे हैं? अरे म्यूजिक लगाइए, ऐसा कमाल का डांस करते हैं हम। पक्का करोगी? अरे पक्का करेंगे, मैं अभी म्यूजिक बजाता हूँ। हेलो म्यूजिक लगाओ। कई भैंस पानी में। क्या तरीका है क्या खेलने का? ऐसा भिगाते हैं क्या कभी? इतना ठंडी लग रहा है। चेतन जी दो लफ्ज आप इसके बारे में कुछ कहें, मुझे पता है आप किसी भी टॉपिक को बोल सकते हैं। बताइए इसके लिए कोई लड़का है इस दुनिया में, इस प्लेनेट में? इसके लिए हाँ थोड़ा मुश्किल है। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ऐसा नहीं है, कोई तो होगा। नहीं कोई आपके लायक ही नहीं है, ऐसा मत कहिए। अच्छा मजा तो तब आया जब चेतन भगत डांस करे तुम्हारे साथ। नहीं चेतन भगत का हो गया डांस।
बार चेतन के लिए जोरदार तालियां, अभी नहीं और श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत मजा आया, आप सब लोग आए। चेतन सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अर्जुन पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू श्रद्धा, और हाफ गर्लफ्रेंड के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक गिफ्ट लेके आइए, खूबसूरत सा गिफ्ट है। अच्छा किसको दें, हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी। ओरा 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 उठ भाई उठ। अच्छा आ जो जो भोजपुरी में गाना गवाया था, आइए आइए। किसके हाथ से लेना चाहेंगे फोन? श्रद्धा के हाथ से, क्या बात है। बिहार का नाम रोशन किया, आपका तो हक बनता है। तालियां। आइए सर एक सेल्फी हो जाए। आप सब लोग ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.